गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हैप्पीनेस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, आज की हैप्पीनेस के क्लास में हम सभी एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है इष्ट की थॉट, यानी चिपकू विचार। तो चलिए अब हम सभी इस गतिविधि को करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें और तीन लंबी गहरी सांस लेकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। प्यारे बच्चों, अब आप अपने मन में एक बड़े से हाथी की कल्पना करेंगे। अपने मन में चित्र बनाएं कि यह हाथी बहुत बड़ा है। इसके बड़े बड़े कान हैं, काली काली आंखें हैं और भारी भरकरम शरीर है और वह एकदम स्थिर खड़ा है। प्यारे बच्चों, आप सभी इस हाथी की विस्तार में कल्पना करेंगे। केवल हाथी के बारे में ही कल्पना करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप सभी हाथी के बारे में कुछ भी ना सोचें। जो भी हाथी के बारे में विचार हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दें। कुछ क्षण के लिए शांति से बैठ जाएं, पर हाथी के बारे में कुछ भी ना सोचें। अगर किसी भी बच्चे के मन में हाथी का चित्र आ रहा है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं और अपनी टीचर को बताएं कि अब भी मेरे मन में हाथी का ही विचार है। अब आप सभी अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएं। क्या आप सब हाथी की कल्पना कर पाए? जब मैंने कहा हाथी की कल्पना ना करें, तब क्या हुआ था? जब निर्देश यह था कि हाथी से संबंधित विचार मन से हटा दें, तब भी क्या
हम में से कुछ बच्चों के मन में हाथी का ही चित्र था। जिन जिन बच्चों के मन में ऐसा था, प्लीज आप अपना हाथ उठाएं और अपनी टीचर को बताएं। प्यारे बच्चों, इसी तरह कभी कभी किसी विषय पर ना सोचना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ विचार, चिंताएं और तनावपूर्ण विचार हमारे मन में अटक जाते हैं। इन्हें हम चिपकू विचार या फिर स्टिकी थॉट्स कह सकते हैं, जो आसानी से हमारे मन से नहीं जाते और बार बार हमारे मन में आते रहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने मन को बिल्कुल शांत करने का प्रयास करें या अपने मन में आते विचारों को रोकने का प्रयास करें, तो क्या यह बहुत कठिन कार्य होता है? जैसे कि अभी अभी मैंने बोला कि हाथी के बारे में ना सोचें, तब भी हम सबके मन में हाथी के बारे में ही विचार आ रहे थे, जबकि आपको मना भी किया गया था। प्यारे बच्चों, यदि हम अपने विचारों के बारे में सजग हो जाएं, उनमें उलझे ना, तब हम कैसा महसूस करते हैं? यानी हम अपने विचारों के बारे में केवल सजग हों, उनमें उलझे ना, तब हम कैसा महसूस करते हैं? मन शांत हो जाता है, अपने विचारों को सामान्य रूप से अपने मन में आने दें और सामान्य रूप से जाने दें। अपने विचारों के साथ दयालुता का भाव रखें और कोशिश करें कि हम इनमें उलझे ना। यह करने से धीरे धीरे आपको अपना मन शांत होता महसूस होगा। धन्यवाद।